बंधुगण आज वीडियो रे बहुत सरल एवं कम जिनसर बना जाइथिबा बहु परीक्षित गला छाती फुसफुस रु कफ बाहर करिबार एक घरोई उपचार बनेबा सिखेबी। प्रथम थर सेवन द्वारा आपनकु एथरु फायदा देखिबा को मिलिबो। जदि आपन केवल 3 दिन पर्यंत एही रेमेडी रो सेवन करिनियंती तेबे आपनकर इन्फेक्शन एलर्जी कास मूलरु शेष होइजिबो। एलर्जी रो एही समस्या उत्पन्न होइथाय। आज रेमेडी जदि सेवन करिवे तेबे आपनकु एही समस्या केबे भी हेबो नाही। तेबे आसंतु जानिबा आज रेमेडी को आमे केमिति बनेबा एवं एहार सेवन किपरि करिबा। किंतु ता पूर्व मु आपन मानु कहि रखबि जदि आपन माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब कर नाथि तबे तल थिबा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब कर निअंतु एवं पाखथे नोटिफिकेशन बेल पर निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जे नूतन वीडियो अपलोड करू ता नोटिफिकेशन आपन माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रो बहु किछि सिखनय जिंस आपन माने सिखिबा को पाइबे। आज रेमेडी को बनवाई आपण को प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़े ताटे तेजपत्र जहाँ को इंग्राजी में बे लिफ कह जाए। प्रायतः समस्त रोष घर बहुत सहजरे मिल जाए कारण यह आम तरकारी बनवे प्रयोग करे। आज आम तेजपत्र प्रयोग करेमेडी बनवा एपण को अधिक तेजपत्र आवश्यकता पड़े ना केवल 6 तेजपत्र आज रेमेडी को बनवाई प्रयोग करूँ। एहार प्रयोग करिबा पूर्वरु आपण एहाकु भल भाबे पानी रे धोई दियंतु। हेले मने रखंतु एहाकु पानी रे भेदै रखिबे नाही नहले एथरे थिबा समस्त एसेंशियल ऑयल बाहरि जिवो। केवल एहाकु परिष्कार करि धोई नियंतु तापरे आपण तेजपत्र को छिडै एही परि छोट छोट पीस करि दियंतु। एबे एथि पई आपणकु द्वितीय सामग्री रो आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे अदा। एथि पई आपणकु 2-3 इंच लंबर गोटे छोट खंड अदार आवश्यकता पड़िबो। प्रथमे आपण अदार चोपा को काढि दियंतु। अदा आपणकर एही कफ एंड कोल्ड भली समस्या पई केते अधिक लाभदायक यह प्रायतः समस्ते जानिथिबे। अदा को तेजपत्र सहित एही रेमेडी रे प्रयोग करिबा द्वारा बहुत जबरदस्त कफ छिड़ेबार रेमेडी बनी प्रस्तुत हो जाए। अदार ऊपर चोपा को काढ़ी सारा परे आपण एहाकु भल भाबरे प्रथमे धोई दियंतु। तापरे आपण एहाकु एही परि छोट छोट पीस रे काटि दियंतु। एबे आपण एक पात्र गैस रे बसांतु। तापरे आपण सेथरे 500 ml पानी ढाळंतु अर्थात 2 ग्लास पानी रो प्रयोग करंतु। एबे पानी को भल भाव बॉइल करूँ। जेबे पानी फुटबा को लगे तेबे आपण से काटि रखि अदा को पकई दिंतु। एबे पुणी 1 मिनिट यह बॉइल करूँ। तापर आपण से छिड़ रखि 6 तेजपत्र को पकई दिंतु। अदा एवं तेजपत्र आंटीऑक्सीडेंट आंटीबायोटिक आंटी इनफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलता है। यार प्रयोग करने द्वारा श्वासनली जो इनफेक्शन और स्वेलिंग आसी जाए ता कम हो जाए। निश्वास प्रश्वास संबंधित समस्त समस्या आराम मिलता है जमीती कि फ्लू काश आस्थमा भली समस्या दूर होगा सह गलारे कष्ट थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या को दूर करिथाय। तेजपत्र रे विटामिन सी कैल्शियम मिलिथाय जहाद्वारा माढ़ी सुस्थ रही थाए एवं पाटी रो दुर्गंध आसीबा बंद हो जाए। कोलेस्ट्रोल को कम करिथाय। फंगल इन्फेक्शन भली समस्या रे मध्य एहा बहुत सहाय्य करिथाय। आपणकर ओजन कम करिथाय एवं पेट संबंधित समस्या को मध्य दूर करिथाय। अर्थात यार सेवन द्वारा आपणकर कफ एंड कोल्ड भली समस्या ठीक हेबा सह आपणक शरीर रे अनेक प्रकार रोग आपे आपे ठीक हो जाए। एबे आमे एथिरे तृतीय सामग्री रो प्रयोग करिबा ताहा अटे दालचीनी। एमिते एको छोट खंड दालचीनी नियंतु एवं एहाकु छोट छोट पीस रे भांगी एथिरे पकई दियंतु। जदि आपण एथिरे दालचीनी रो प्रयोग करिबे तेबे एही रेमेडी रो एफिकेसी आहुरी अधिक बढ़ी जाए। एबे आमे एथिरे चतुर्थ सामग्री रो प्रयोग करिबा ताहा अटे लवंग। केवल 3 लवंग आपण एथिरे प्रयोग करंतु। हेले मने रखंतु समस्त लवंग रे फूल लागितबा आवश्यक। काश गला इन्फेक्शन एवं छाती रो कफ काढ़ा लवंग मध्य चमत्कारी अटे। आज रेमेडी को आम 3 दिन बनाऊँच अकॉर्डिंग आम ए समस्त सामग्री रो प्रयोग करूँ। एहाकु बॉइल हेबा छाड़ दिंतु। यहाँ आपण सेत पर्यंत फुटातु जमी 2 ग्लास पानी फुटी फुटी 1 ग्लास न हो मीडियम फ्लेम रे आपण एहाकु बॉइल करंतु एवं एहाकु अधा घोड़े दिंतु। देखंतु 5-7 मिनिट पर पानी आमर बॉइल होई होई 1 ग्लास हो गलानी एवं एथिरे व्यवहृत समस्त सामग्री रो अर्क एही पानी मध्य को आसी सारलानी। एबे आपण गैस बंद कर दिंतु एवं एहाकु एक कप को छाणी नियंतु। छाणी सारिबा परे बंची जाइतिबा एही सामग्री को आपण घरे बनाउथुबा कोनोसी तरकारी रे प्रयोग करि पारिबे। 3 दिन पई आपणकर एही रेमेडी बनी प्रस्तुत। एहाकु आपण खाली पेटरे 5 चम्मच लेखाएं पी शेष करिबाकु हेबो। थरकरे सबु पियंतु नाही। सकाळु खाली पेटरे आपणकु एहार सेवन करिबाकु हेबो। चा पीला भळी आपणकु एहार सेवन सिप करि करि पीबाकु हेबो। पिलाठू बुढ़ा समस्ते एहार सेवन करि परिबे। हेले जानि नियंतु केते मात्रा रे एहार सेवन करिबाकु हेबो।
जदि आपण एहाकु 2 वर्षर छोट पिलांकु देउछंती तेबे एथिरु केवल एक चमच ही जथेष्ट अटे। प्रथमे आपण एक कप रे एक चमच एही काढा नियंतु। एबे सेथिरे 4-5 चमच उषुम पानी मिसांतु एवं सेथिरे अल्प महु मिसांतु। तापरे आपण एहाकु पिलांकु पीबाकु दियंतु। एहाटु अधिक छोट पिलांकु दियंतु नाही। जदि 10 वर्षर पिलांकु देउछंती तेबे थरक पई केवल 2 चमच नियंतु। जदि बड़ लोक माने एहर सेवन करुछंती तेबे केवल 4-5 चमच आपण एहाकु नियंतु। तापरे आपण सेथिरे उषुम पानी मिसांतु। जेबे आपण एहर सेवन करिवे सेतेबेले आपण एथिरे 5-10 बुंदा लेंबु रस मिसेई पारिबे। देखिबे एहर टेस्ट भलो लागिबो। जेहेतु लेंबु विटामिन सी रे भरपूर होइथाय सेथिपई एहा आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को मध्य ठीक करिथाय। तापरे आपण एथिरे एक चमच महु मिसांतु। एथिरे महु रो प्रयोग करबा द्वारा एहा आहुरी अधिक फायदा पहुंचाइथाय। जदि आपण डायबिटिक अटंती बा महुर सेवन करंती नाही तेबे आपण महु बदलने सेथिरे संध्यव्य लुणर प्रयोग करंतु। संध्यव्य लुण जहाँ आम हिमालयन सल्ट बा रॉक सल्ट कहिथाउ। एहा आपणको कोनोसी भी ग्रोसरी बा पुटुळी बणिया दुकानरु बहुत सहजरे मिलिजिबो। संध्यव्य लवणर जदि प्रयोग करिवे तेबे चिमुटा ही जथेष्ट अटे। रेगुलर लुण बा बीट लुणर प्रयोग एथिरे करंतु नाही। काश पाई गळा इन्फेक्शन पाई रामबाणा अटे संध्यव्य लुण। सेथिपई आपण एहर निहाति प्रयोग करंतु। हेले महु किंबा संध्यव्य लुण मध्यरो गोटिए आपणको एथिरे प्रयोग करबाको हेबो। एही प्रकार आपण आजिर एही रेमेडी को बनांतु एवं फॅमिलीर समस्त सदस्यंको एहाकु पीबाको दियंतु। देखिबे एहर सेवन द्वारा समस्त प्रकारर एलर्जी एवं इन्फेक्शन दूर हेबो। एलर्जी कारणरो काश एवं कफ भळी समस्या उत्पन्न होइथाय। आपण एहाकु 3 दिन पई बनै फ्रिज रे स्टोर करि रखि दियंतु। जेबे आपणको एहर सेवन करबाको हेबो तेबे पुणी एहाकु गरम करंतु एवं उषुम पानी एथिरे मिक्स करंतु। उषुम उषुम खाली पेटरे चा पीला भळी एहर सेवन करंतु। 3 दिन भितरे आपणको एहा शेष करबाको हेबो। जदि आपणको बहुत अधिक थ्रोट इन्फेक्शन बा कफ एंड कोल्ड भळी समस्या अछि तेबे आपण एहाकु सकाळु थरे एवं रात्रिरे सोइबा समय रे थरे सेवन करंतु। देखिबे आपणको एथिरु चमत्कारी फायदा देखिबाको मिलिबो। तेबे आशा करछि आजर एही सुंदर भिडियोटि आपणको निहाते भल लागितिबो। जदि आजर एही भिडियोटि आपणको टिके भल लागिथे तेबे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार भिडियो देखा पाए आम चैनलको सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पई एतिकी पुणी देखा हबो को नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।